यूपीएससी की तैयारी कराने वाले कानपुर के संस्थान उत्कर्ष एकेडमी ने छात्र छात्राओं के लिए स्ट्रेटेजिक वर्कशॉप एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में गाजियाबाद की एसडीएम शिखा शुक्ला मुख्य अतिथि रही। तो इस दौरान एसएससी में चयनित हुए छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर अलंकृत किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि ने और एकेडमी की पूर्व छात्रा ने अपनी सफलता का उदाहरण देकर प्रतियोगियों को सफलता के टिप्स दिए। और इस दौरान उत्कर्ष एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने प्रतियोगी को मोटिवेट करते हुए कहा कि जीवन में हमेशा अपना लक्ष्य निर्धारण कर उस पर ही अग्रसर रहना चाहिए। आज हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक वर्कशॉप और प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम रखा है। स्ट्रेटेजिक वर्कशॉप की आज बहुत जरूरत है। इसके अंतर्गत हम लोग जो डिफरेंट गवर्नमेंट परीक्षाएं हैं, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, रेलवे बोर्ड कंडक्ट कराता है, यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता है, पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, स्ट्रेटेजी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम लोग ये देखते हैं कि वैकेंसी निकलती है, फॉर्म भरता है, एग्जाम होता है, रीशेड्यूल होता है, कैंसिल होता है, इन सब में हमारे जो परीक्षार्थी हैं कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं और अपनी तैयारी को विराम दे देते हैं, इधर उधर लग जाते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार कंसिस्टेंस एफर्ट किया जाए, अपनी तैयारी को जारी रखा जाए, जिससे जब कभी आपको मौका मिले तो आप पूरी शिद्दत के साथ प्रहार करके और अपनी सफलता को प्राप्त। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnewsflash।